हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए मैंने कुकर में तेल ले लिया है। तेल में जीरा डालेंगे और जीरा को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, चक्रफूल, लौंग, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और बड़ी इलायची। इन सभी को तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे और जैसे ही यह फ्राई हो जाएंगे, हरा मटर डालेंगे। अब हम चावल लेंगे। चावल मैंने यहाँ एक कटोरी ली हुई है। ये बासमती राइस है, आप चाहें तो कोई भी राइस ले सकते हैं। एक कटोरी के हिसाब से हम दो कटोरी पानी लेंगे। इन्हें पहले सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दो कटोरी पानी ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो मटर पुलाव बनने के बाद भी घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी स्टेज पे डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और दो सीटी आने देंगे। दो सीटी आ चुकी हैं, अब मैं खोलकर बताऊंगी। मटर पुलाव बन चुका है, आप देखेंगे कि कितना अलग अलग बना हुआ है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इस तरीके से एक बार अपने घर पर मटर पुलाव बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव प्रयास किचन के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।